एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही हाल है। क्या रूस को अब नॉर्थ कोरिया रॉकेट्स और तोप के गोले दे रहा है? आखिर किसने किया है ये दावा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब दुनिया को हैरान कर दिया और पश्चिमी दुनिया को पछाड़ कर भारत अब पहले पोजीशन पर पहुंच रहा है। आपको बता दें, इस मामले में कभी भी अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत आगे आए, और एक समय तो अमेरिका ने रूस को भी भारत की मदद करने से रोक दिया था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सबसे पहली सेंध भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों में ही लगाया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल हो ये रहा है, ये अमेरिका का कहना है कि जो 6 महीने से युद्ध चल रहा है, इस 6 महीने से युद्ध में रूसी हथियार भंडार खत्म हो चुके हैं और अब रूस ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया से कई खतरनाक हथियार खरीदने का फैसला किया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी रक्षा मंत्रालय यूक्रेन में चल रही लड़ाई के बीच उत्तर कोरिया से लाखों रॉकेट और तोपखाने की गोले की खरीद की प्रक्रिया में लगा हुआ है। वैसे हाल में ये देखने को मिला था कि रूस ने बड़ी संख्या में ईरान से ड्रोन खरीदे और ये ड्रोन रूस आए। रूस आने के बाद पता चला कि इन ड्रोनों में वो खासियत नहीं है जो सोचकर रूस ने इसे खरीदा था। ईरान के ड्रोन सीरिया में भले कमाल दिखा पाए, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई में कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये दोनों ही बातें अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उत्तर कोरिया से गोला बारूद और सैनिक इसलिए खरीद रहा है रूस क्योंकि उसके अपने भंडार खत्म हो चुके हैं। वहीं अमेरिका ही ये भी बात कह रहा है कि ईरान से जो ड्रोन खरीदे वो ड्रोन फुस हो गए हैं और इस लड़ाई में भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। हालांकि जब युद्ध चलता है तो कोशिश यही की जाती है कि एक दूसरे को इस तरीके से दिखलाएं जैसे सामने वाला कमजोर हो गया है, और यही काम कर रहा है अमेरिका। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है तो वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि इतना तो तय है कि उत्तर कोरिया, चीन और रूस एक गठबंधन के तौर पर सामने आएंगे अगर ये विश्व युद्ध का रूप लेता है तो। और इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने खत भी लिखा था तानाशाह किम जोंग उन को, और इस खत में सैनिकों की मांग की थी। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। इसलिए सही लग रही है क्योंकि रूस की जनसंख्या उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए सैनिकों की जरूरत रूस को भले हो सकती है। रूस ने कथित तौर पर 1 लाख सैनिकों की मदद मांगी थी और उत्तर कोरिया ने कहा था ठीक है, हम 1 लाख सैनिक देंगे आपको, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, जो ब्रिज वगैरह टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए, लेकिन बदले में आप हमें तेल और गेहूं दे दो। और इसके लिए रूस खुशी खुशी तैयार भी हो गया था, पर अब गोले बारूद और तोपखाने की बात किस हद तक सही है ये तो समय ही बता पाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बिल्कुल तहलका मचा दिया है, और इस बार भारत उसी अमेरिका के घर में घुसा है जिस अमेरिका ने कभी भारत को मना कर दिया था क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए। आपको बता दें, एक दौर था जब भारत अपने सैटेलाइट वाले चीजों को, रॉकेट वाले चीजों को बैलगाड़ी से ढोकर इसरो तक लाता था। उस समय भारत अपना स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहता था और भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अमेरिका के पास गया, अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन बनाने में मदद मांगी, पर अमेरिका ने मदद देने से मना कर दिया। भारत उसके बाद अपने खास मित्र रूस के पास गया और रूस को भी कहा कि आप क्रायोजेनिक इंजन बनाने में हमारी मदद करो। एक बार को रूस तैयार भी हो गया, पर उसके ऊपर अमेरिका ने दबाव डाल दिया और अमेरिका के दबाव के आगे रूस उस वक्त झुक गया था और रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से, टेक्नोलॉजी देने से मना
कर दिया था। वैसे आपको बता दें, पर ये भी बहुत बड़ा सच है कि आज जो देख रहे हैं आप भारत का स्पेस प्रोग्राम, इसमें बहुत मदद की है रूस ने। पर शुरुआती दौर में ये झटका भारत को रूस और अमेरिका दोनों से ही मिला था। पर अब चीजें बदल चुकी हैं। अब अंतरिक्ष की दुनिया में भारत भी एक महाशक्ति के तौर पर उतर रहा है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। और ये ग्लोबल मार्केट स्पेस का ऐसा है कि बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाना चाहते हैं। उनके पास या तो रॉकेट नहीं है या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि वो खुद का सैटेलाइट खुद से लॉन्च कर सके। जैसे ब्राजील चाइना से लेता था मदद और ब्राजील चाइना से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाता था। लेकिन ब्राजील ने क्या देखा, उसके ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च फेल हो जाते हैं। पैसा दो, सब कुछ दो, लेकिन चाइना के द्वारा सक्सेसफुल तरीके से सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं होता था। परेशान होकर ब्राजील भारत के पास पहुंचा और भारत ने उसके सैटेलाइट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। लेकिन अब दुनिया के बाकी देश भी भारत के संपर्क में आने लगे और जैसे जैसे दिखने लगा कि नहीं, भारत भी अब एक लिमिटेड स्तर पर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, तो ऐसे में वो भारत के साथ संपर्क साधने लगे। अभी कई सारे देशों के सैटेलाइट लॉन्च को भारत हैंडल करता है। पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी, किसी रॉकेट से जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते थे तो ऐसा समझ लीजिए कि 1 kg पेलोड वाला सैटेलाइट अगर रॉकेट उठाकर लेकर जाता था तो उसका खर्चा पड़ता था $10,000 से $15,000। और इसरो ये चाहता था कि ये जो 10,000 से 15,000 लगता है इसको 5,000 या 1,000 में लाकर रोका जाए। ऐसा करने का एकमात्र तरीका था कि रॉकेट को ही रीयूजेबल बना दो, मतलब जिस रॉकेट से छोड़ा फिर वापस से उसका इस्तेमाल कर सके, रॉकेट बर्बाद न हो। और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर ये आ रही है कि भारत अब रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहा है। अगला रॉकेट जो हमारा होगा वो अगला रॉकेट रीयूजेबल होगा, जिससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्चा भारत का बहुत बच जाएगा। और जो भारत ने कई देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा हुआ है, इससे भारत को न सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि और भी कस्टमर भारत ला पाएगा। इसरो ने बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत अब चारों तरफ से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।